स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को सुलझाने में देरी और सुनवाई टालने पर चिंता जताई। सीजेआई ने वकीलों से कहा कि हम नहीं चाहते कि ये सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख वाली अदालतें बन जाएं। उन्होंने कहा कि हर रोज औसतन 154 मामले टाले जाते हैं। अगर इतने सारे मामले एडजमेंट में रहेंगे तो ये अदालत की अच्छी छवि नहीं दिखाता। साथ ही सीजेआई ने वकीलों से अपील की जब तक जरूरत न हो तब तक सुनवाई टालने की मांग न करें। दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पेश हुए वकील की ओर से एडजमेंट की मांग पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट लगातार लिस्टेड मामलों की सुनवाई कर रहा है और सबसे ज्यादा एडजमेंट की मांग इन्हीं मामलों में की जाती है। सीजेआई ने कोर्ट में एडजमेंट के मामलों के बारे में डेटा एकत्र किया। इस डेटा का एनालिसिस कर उन्होंने शुक्रवार को कोर्ट में कहा कि केवल सितंबर और अक्टूबर में 3,688 बार कोर्ट में सुनवाई टालने की मांग की गई। आज ही यानी 3 नवंबर को 178 मामलों की सुनवाई टालने की मांग की गई। औसतन हर रोज 154 केस एडजर्न होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के मामले में दाखिल होने से लेकर पहली सुनवाई के लिए आने तक की प्रक्रिया की निगरानी कर रहा हूँ ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय मिलने में कम से कम समय लगे। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।